दिल्ली की सड़कों पर लगे हैं आपत्तिजनक नारे। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय को लेकर भी अब इस मामले में जांच बढ़ रही है दिल्ली पुलिस की। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी सांसद नासिर हुसैन। नासिर जी, ये जो नारे लगे हैं, देश तोड़ने वाले नारे? देश द्रोह वाले नारे हैं। इस पर एनएसए और यूएपीए के धाराएं लगना चाहिए। जिस तरह से सीए एनआरसी के जो एक्टिविस्ट थे, जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर जो नारे लगा रहे थे और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर जो एजिटेशन कर रहे थे, उनके खिलाफ़ यूएपीए और एनएसए के आप लोगों ने धाराएं लगा के उनको 3 महीने 4 महीने 6 महीने से बंद कर रखे हैं। इस तरह खुलेआम पार्लियामेंट इन सेशन, नेशनल कैपिटल, जंतर मंतर पे ओपनली दो समुदायों को, दो मज़हब के लोगों को, दो रिलीजन के लोगों को लड़ाने का काम जो कर रहे हैं, जो भी लोग हैं उसमें, उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यूएपीए एनएसए लगना चाहिए। ये अननोन लोगों के खिलाफ जो एफआईआर की हैं, इससे साफ दर्शाती है कि केंद्र सरकार में जो पार्टी है उसकी मानसिकता को। लेकिन कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है और फिलहाल ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय जो वकील भी हैं उनकी तरफ से आयोजित किया गया था। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि वो वहाँ से चले गए थे, उसके बाद इस तरीके की कोई गतिविधियाँ हुई हैं और जिन लोगों ने की है सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें उनका कोई रोल नहीं है। ये उसमें जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके खिलाफ होना चाहिए और जो नारे लगे उनके खिलाफ होना चाहिए और वहाँ पे जो फ्रंट पे आके इस तरह की जो हरकत करे सबके खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। इस तरह से हर कोई आके नारे लगा के चले जाए और ये ग्रुप नारे लगे, इनके खिलाफ और एक कोई ग्रुप लगाए, उनके खिलाफ और एक ग्रुप लगाए, ये कहाँ तक चलते रहता है? इसको खत्म करना चाहिए। चलिए, यानी साफ तौर पर बीजेपी जो कांग्रेसी सांसद नासिर हुसैन, उन्होंने यही कहा है कि जो बीजेपी नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी ने भी ऐसे जो है नारे लगाए उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ तक ये मांग हो रही है कि देशद्रोह की धारा के तहत भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।